नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस में निकली हुई भर्ती के बारे में। आईटीबीपी ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और 4126 पोस्ट के ये भर्ती है जो कि कांस्टेबल जीडी के पोस्ट के लिए हो रही है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में हो रही है। तो कांस्टेबल जीडी के पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। मिनिमम एजुकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिकुलम या 10th पास होना जरूरी है। 12th पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीई के द्वारा होने वाली है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पर आपकी होगी। प्रतिमा आपको वेतन यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 21,700 रुपए से 69,100 रुपीज तक होगा। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर भरनी है जो कि बहुत कम है, जो कि 100 रुपए है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी यहाँ पर जैसे हमने कहा 100 रुपए है। SC ST एक्स सर्विसमैन तथा PW कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी फ्री है। एज क्राइटेरिया है यहाँ पर 18 साल और मैक्सिमम एज है यहाँ पर 23 साल। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अब हम देखेंगे क्या जानकारी मिल रही है। तो ऑनलाइन तरीके से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है और आपका एप्लीकेशन निश्चित करना है। कांस्टेबल जीडी के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4126। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 20 अगस्त 2018। तो आप देख सकते हो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करिएगा। 21 जुलाई से एप्लीकेशन स्वीकारना शुरू हो चुका है और 20 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आप एलिजिबल हो तो तुरंत अप्लाई करिएगा और ये बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती हो रहे हैं। यदि आप एलिजिबल हो तो तुरंत अप्लाई करिएगा और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे हमने कहा 10वीं पास होना जरूरी है और ऑनलाइन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। ऑल ओवर इंडिया में आपके सेंटर्स आपके राज्यों में या आपके सिटीज में भी सेंटर्स होंगे तो वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और ITBP यानी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा यहाँ पर आपकी नियुक्ति या आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको जॉब्स के अपडेट्स तुरंत आएंगे और आप लेटेस्ट जो वैकेंसीज होती है उनसे वंचित नहीं रह सकते। तो दोस्तों जल्द से जल्द आवेदन करिएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है अब हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जीडी की जो वैकेंसी है उसे यदि आपको अप्लाई करना है तो जैसे आप इस यहाँ पर क्लिक करोगे ये PDF लोड हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड लिखना होगा, पर उसके पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है और एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश हिंदी होने वाली है और आप देख सकते हो यहाँ पर पार्ट ए 25 मार्क्स, पार्ट बी 25 मार्क्स। तो देखा जाए तो कुल ये जो वैकेंसी है 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने में पूरा। तो जल्द से जल्द आवेदन करिएगा, देर ना करें क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।